Welcome to Broadway AD Academy. This is Rohini and you are watching me on our official YouTube channel. दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ 10 मोस्ट कॉमन रिपीटेड वर्ड. जैसा आप सभी जानते होंगे आपके प्रैक्टिस के टाइम पे टीचर्स या आप खुद से इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि आप कम से कम रिपीटेड वर्ड्स को यूज़ करें, वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा हो. पर ऐसे कौन से कॉमन रिपीटेड वर्ड्स हैं जो बच्चे आल्स में, पीटी में या अपने किसी भी तरह के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को देने के लिए रिपीट करते हैं. तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो के साथ. जो पहला वर्ड है जो मोस्ट रिपीटेडली यूज होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट वर्ड ना जाने कितनी बार स्टूडेंट्स अपनी राइटिंग में या स्पीकिंग में यूज करते हैं. ये बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बेसिक सा वर्ड है इंग्लिश का. इसकी जगह पे और बेटर वर्ड्स यूज हो सकते हैं, जैसे कि नेसेसरी, सिग्निफिकेंट, प्राइमरी, मेजॉरिटी, वैल्यूएबल. ये कुछ अच्छे वर्ड्स हैं जो हम इम्पॉर्टेंट की जगह पर यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है जो मोस्ट रिपीटेड में काउंट होता है वो है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट वर्ड को हम उस टाइम पे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताना है या प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजंस में हमने एडवाइस देनी है. गवर्नमेंट की जगह पे जो कुछ वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं वो है अथॉरिटी, ऑफिशियल्स. नेक्स्ट वर्ड है चिल्ड्रन. चिल्ड्रन वर्ड स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं और कई स्टूडेंट्स तो चिल्ड्रन की जगह पर वर्ड यूज़ कर देते हैं किड्स. जैसा हम सभी जानते हैं किड्स वर्ड जो है वो इनफॉर्मल है और आल्स में इनफॉर्मल वर्ड्स को लिखना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ करोगे आपकी स्कोर्स के जो चांसेस हैं, जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी. तो इसीलिए चिल्ड्रन की जगह पे जो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है एडोलेसेंस, जुवेनाइल, यंगस्टर्स और टीनेजर्स. इसके अलावा अगर मैं किसी वर्ड की बात करूं तो राइटिंग में ये बहुत कॉमनली यूज होता है, जो कि है सो एंड बिकस. इवन बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो बिकस से अपने स्टेटमेंट को, सेंटेंसेस को शुरू करते हैं. अगर आप इंग्लिश में बिकस से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इट्स अ कनेक्टर जो कि हम किसी चीज़ की रीजनिंग और उसके रिजल्ट के लिए बता रहे हैं. बिकॉज हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कहीं पे किसी का रीज़न देना है. सो हम यूज़ करते हैं जब हम किसी का रिजल्ट बता रहे हैं. पर अगर अननेसेसरी इन वर्ड्स को बार बार रिपीट किया जाएगा राइटिंग में या स्पीकिंग में तो डेफिनेटली आप अपने रिक्वायरमेंट्स को नहीं अचीव कर सकेंगे. तो इसके जगह पे और बेटर वर्ड्स हैं, देयरफॉर, सो दैट, डज, दैट्स व्हाई. इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जो कि है एंड. एंड इज अ कंजंक्शन वर्ड जो कि हम यूज करते हैं दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए. पर क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बेसिक वर्ड है इंग्लिश का, इसके जगह पे आप वर्ड यूज कर सकते हो एज वेल, टू, एज वेल एज, अलोंग विद दैट. इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है देयर. देयर एंड देयर एंड दैट. मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कुछ होमोफोन्स के बारे में, जहां मैंने आपको बताया था ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स. देयर, देयर, दैट, देन, ये वर्ड्स हम अगर यूज कर रहे हैं राइटिंग में तो ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं. इन वर्ड्स को लिखने के आपको वोकैबुलरी में स्कोर्स नहीं मिलेंगे. आप जितना ज़्यादा इन वर्ड्स को यूज़ करते जाओगे आपकी एफिशिएंसी, आपकी एक्यूरेसी टास्क में कम होती जाएगी, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि सेंटेंस में वेरिएशंस का होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप बिना वेरिएशंस के सेंटेंसेस बना रहे हैं और ये वर्ड्स बार बार उसमें रिपीट हो रहे हैं देन डेफिनेटली आपको इन वर्ड्स को रिमूव करना है और इनके जगह पे इनका ही जगह यूज़ होने वाला जो मेन सब्जेक्ट है उसकी बात करनी है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है प्रॉब्लम. प्रॉब्लम बेसिकली वर्ड जो हम यूज़ कर लेते हैं किसी चीज़ की ड्रॉबैक्स को बताने के लिए, किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को बताने के लिए, पर ये कॉमन वर्ड है. मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस वर्ड की जगह पे इससे बेटर वर्ड भी यूज़ करें. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं वर्ड टीचर. टीचर वर्ड बहुत बार यूज़ होता है जहाँ पे कहीं एजुकेशन की बात आ रही है, कहीं पे बात आ रही है स्टडीज़ की, कहीं पे चिल्ड्रन की बात आ रही है या पेरेंट्स एंड टीचर्स की रोल की बात आ रही है. तो टीचर्स की जगह पे जो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, इट कैन बी ट्यूटर. टीचर की जगह पे जो वर्ड यूज़ हो सकता है वो है गाइडर, ट्रेनर एंड ट्यूटर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है एजुकेशन. एजुकेशन वर्ड बहुत बार यूज़ करते हैं टास्क वन में भी एंड टास्क टू में भी, अगर टास्क में, क्वेश्चन में कहीं एजुकेशन वर्ड यूज़ हुआ है तो एजुकेशन की जगह पे मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था आप वर्ड यूज़ कर सकते हो एडिफिकेशन.
एडिफिकेशन और नॉलेज, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द वर्ड एजुकेशन. नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हैप्पी. हैप्पी वर्ड इट्स बेसिकली अ वर्ड दैट वी यूज टू एक्सप्रेस अ फीलिंग. जब किसी की फीलिंग को, इमोशंस को बताना हो तो उस टाइम पे हम वर्ड हैप्पी को यूज करते हैं. बट हैप्पी वर्ड भी बाकी वर्ड्स की तरह ही बेसिक वर्ड है. इसकी जगह पे आप ग्लैड या फिर जॉयफुल वर्ड यूज कर सकते हो. मैं उम्मीद करती हूँ इन वर्ड्स से आपको हेल्प मिलेगी और आप अपने टास्क में रिपीटेशन को अवॉइड करोगे. चैनल के साथ बने रहिए और कॉन्टेक्ट करिए हमारे दिए गए नंबर पे और टीम के साथ डायरेक्टली जुड़िए. धन्यवाद.